दोस्तों आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों, कल यानी कि 11 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी के एक्सपायरी डेट के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रॉमिसिंग वादा नहीं किया जाता है मेरे चैनल पर कि यहाँ 100% गारंटी रिटर्न बनेगा, या मैं कोई पे टिप्स नहीं प्रोवाइड करता, कोई पैसे लेके कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता। इन सब चीजों से मैं दूर रहता हूँ। अगर कोई मेरे नाम पे पैसा मांग रहा है, अगर कोई मेरे नाम का किसी ने ग्रुप बना के कोई आपसे पैसा ले रहा है, तो आप कृपया कंप्लेन करें, शिकायत करें, क्योंकि आरके ट्रेडिंग यानी कि मैं रवि कुमार कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैं लेवल्स बताऊंगा बिल्कुल चार्ट के हिसाब से रहेगा, प्योर चार्ट स्टडी रहेगा, उस स्टडी पर ही ध्यान देंगे हम लोग, सीखेंगे समझेंगे, और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कीजिएगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से, फिर धीरे से निफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, या पहले निफ्टी कर लेते हैं बाद में बैंक निफ्टी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो हम लोग पहले आज निफ्टी को ही देख लेंगे, बैंक निफ्टी को इसके बाद देखेंगे, पहले निफ्टी देखेंगे। तो निफ्टी क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस का लेवल है वो पॉजिटिव है, यानी कि 21,618 पर इसने देखिए क्लोज किया हुआ है ना, 21,618। लेकिन आपको लो पे भी ध्यान देना है, इसने लो लगाया है 21,450 का, और याद है कल हम लोगों ने क्या बात कहा था, क्या कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसी लेवल 21,450 और 350, ये दो लेवल बहुत खराब हुआ तो 300 क्लेम कर सकता है, अदरवाइज 350-400 से जाके ये वापस ही घूम जाएगा, क्योंकि 21,500 इसका सपोर्ट है, उसको तोड़ने के बाद ये 21,450 की तरफ आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही हुआ, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस लेवल पर अगर आपको पता है तो यहाँ से जो बैंक निफ्टी गिरा था, निफ्टी गिरा था लास्ट 9 तारीख को कल बॉक्स बना के, और उसके बाद जब नीचे की तरफ में आया था तो आया बिल्कुल अपने इस प्रीवियस लो के पास में आया था, है ना, प्रीवियस लो के पास में, इसी को ब्रेक करके आज नीचे गया है, और जो नीचे गया तो पहला जो लो लगाया है इसने नीचे जाके, उस लो का जो भाव आ रहा है, जो प्राइस आ रहा है, वो प्राइस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उसका प्राइस आ रहा था 21,500 के आसपास, 515 के आसपास, उसको नीचे आज ब्रेक किया, ब्रेक करके एक अच्छा खासा लो लगाया है, लेकिन खास नहीं, पर 525 से 30 से ब्रेक होके नीचे आया तो 446 तक आया, एग्जैक्ट बढ़िया जगह सपोर्ट किया। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आपके लिए काम की चीजें हैं वो आप समझिए, आपको कि यहाँ पर इस कैंडल से बचना है, इस टाइप का जो कैंडल बनता है ना मार्केट में, ये कैंडल आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जैसे देखिए, ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, यहाँ पर नीचे की तरफ में फॉल किया तो लोगों को लगा कि यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, नहीं, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर हो गया। यहाँ पर ये कैंडल देख रहे, इस कैंडल को अगर, ये कैंडल का सिरा जो ग्रीन कैंडल देख रहे, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता और नीचे बॉडी थोड़ा सा और बढ़ जाता तो इसको हम इंगल्फ कैंडल भी बोल सकते थे, लेकिन ये इंगल्फ फिलहाल नहीं है, क्या है, इंगल्फ नहीं है। तो खैर, नहीं है तो नहीं है, पूरा दिन आज साइडवेज रहा। अगर ये जो आप तेजी देख रहे हैं ये सिर्फ एक स्टॉक की वजह से है, और वो है रिलायंस। ये रिलायंस के कारण आप निफ्टी में इतनी सी तेजी जो देख रहे हैं वो रिलायंस की वजह से। लेकिन इसने भी एक काम किया, आपको पता है एक स्ट्रेटेजी, एक मेथड है, बॉक्स मेथड है, बहुत चलता है स्टॉक मार्केट में, हमारा भी बॉक्स मेथड है, ये आपको पता है, ये बिल्कुल बॉक्स बना के ही ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट भी किया, तो लास्ट टाइम में किया 2:45, 2:45 में किया, जिस वक्त हम लोग ट्रेड में रहते नहीं, बाहर हो जाते, 11-12 बजे तक बाहर, उसके बाद नहीं, क्यों, क्योंकि भाई दिन भर ट्रेड करके हमें पागल नहीं होना है, अपना पैसा आ गया, काम खत्म है। यहाँ पे देखिए 21,586 के ऊपर निकला तो इसने हाई लगाया है 21,640 का, तो नीचे कितना 440, 444, और ऊपर कितना 644 या 650। तो हम इसको राउंड नंबर ऐसे करेंगे कि निफ्टी कितने रेंज में फंसा है, नीचे की तरफ में 21,450 का रेंज पकड़ते हैं या 21,440 का रेंज पकड़ते हैं, और ऊपर का कितना रेंज आ रहा है, तो 21,640 से लेके 650 का रेंज आ रहा है, तो कितना पॉइंट का रेंज बन गया, तो 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का यहाँ पे रेंज बन गया, क्लियर हो गया, 200 पॉइंट में निफ्टी फंस गया है। अब ये निफ्टी जब तक इस 200 पॉइंट के ऊपर और 200 पॉइंट के नीचे न जाए मामला नहीं जमेगा। तेजी आपको, अच्छी खासी तेजी अगर देखना है तो एक खास लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा इसको, जब तक उस एरिया को ब्रेक नहीं करता है जिसका भाव 21,750 से 21,800 का आता है, तब तक ये अभी पॉजिटिव नहीं बल्कि इसी तरह से साइडवेज होके चलता रहेगा। ऊपर के लेवल आप 21,750 देख रहे हैं, यहाँ पर ये 750 के आसपास में ये रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर टिकेगा तभी, दूसरा जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वो 21,700 के आसपास का है।
देखिए यहाँ पर जो लास्ट कैंडल जो 9 जनवरी को यानी कि कल का जो ये कैंडल बड़ी वाली कैंडल बना था, इसका हाई प्राइस है 21,665, इसका हाई प्राइस ध्यान रखिएगा, आपको ये ध्यान देना 21,665। और बैंक और निफ्टी जो इसी के आसपास में आके रुक रहा है, निफ्टी इसी के आसपास में रुक रहा है 665। क्लोजिंग क्लोजिंग कितना पे कर रहा है ये देखिए, डेली के चार्ट पे क्लोजिंग कर रहा है आपका 618 पे, कितना पे क्लोजिंग कर रहा है 618 पे। और ऊपर हाई हम लोग रेजिस्टेंस में कितना बैठे हैं, हम लोग ऊपर रेजिस्टेंस 618, ऊपर हाई बैठे हैं 650 से 660 के आसपास में। तो कल अगर बाइंग करना होगा ना तो हम मुझे इस रेंज के ऊपर ठीक लग रहा है, ये रेंज अगर इस तरह से बनाता है तो नीचे से एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ यहाँ पे जाएगा और इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है, ये चांस है। और ऊपर जो ये दो लाइन देखने, ये फिर टारगेट का काम करेगा, यानी अगर खरीदना है तो 21,650 के ऊपर की बाइंग होगी, जिसके ऊपर आज नहीं जा पाया, हाई लगाया 641 का, ऊपर 650 नहीं कहूंगा, 660 से 70 का लेवल पकड़ सकते हैं, 21,660 से 21,670 के ऊपर जाने पर फिर यहां पर से एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड का बन सकता है। ठीक है, ट्रेड लेना ना लेना आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर इस ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है प्रीवियस, ये एक टारगेट का काम करेगा जिसका भाव आता है 21,700 का, और दूसरा जो ऊपर की तरफ में लेवल है वो 21,760 से 775 का है। तो अगर आपसे टारगेट कोई पूछे तो यहाँ पर उसके ब्रेकआउट के बाद क्या कह सकते हैं कि हमारा पहला टारगेट 21,700 का एक छोटा टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट 21,750 के आसपास का होगा, यहाँ पर है ना 21,750। ये दो एरिया टूटने के बाद, ये दो नजदीकी रेजिस्टेंस टूटने के बाद आपको ऊपर के साइड में जो लेवल बनेगा वो 21,800 वाला बनेगा, 750 टूटने के बाद। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उससे क्या है, लेकिन ये आपके नजर पे रहना चाहिए, 21,800 का लेवल भी आपके वॉच में आई के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, 21,800 तक का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो समझदार लोग हैं इस तेजी के, अगर यहाँ से तेजी करता है तो वहां पे वो लोग फिर कॉल ऑप्शन लेना पसंद करते हैं। देखिए दूर का कॉल लेंगे ना ओटीएम वगैरह कॉल में तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बायर लोगों को बहुत दिक्कत है, ओटीएम ज्यादा दूर का ले लिया, ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, तो बहुत प्रॉब्लम। नजदीक का लेने से क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत स्किल होना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत स्किल होना चाहिए, बहुत समझ होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ में 21,650 से 21,700 का यहाँ पर से दिखाई देता है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो इस कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए ऊपर के साइड में। ठीक है, तो इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ से ये गिरना शुरू करता है तो देखिए ये जो बॉक्स एरिया है, चलिए इसको देखते हैं, ये जो बॉक्स एरिया है यहाँ पर, ये बॉक्स एरिया, ये बॉक्स बन गया, तो ये बॉक्स का जो ऊपर वाला सिरा है, इस सिरा के नीचे अगर आया तो फिर सेलिंग बनेगा, और दूसरा बड़ा सेलिंग इस बॉक्स के निचला सिरा के नीचे, इसके नीचे ये दो जगह है जहां पे बहुत फास्ट सेलिंग आपको बन सकता है। अब इस बॉक्स एरिया के नीचे का जो प्राइस है वो 21,440 के आसपास का आता है, जो कि आजकल लो प्राइस था, यहाँ आप देखिए 21,465-450 पकड़ते, लेकिन पहला जो आएगा वो 21,550 के नीचे सेलिंग हो सकता है। आपको प्रेशर यहाँ से ये एरिया जैसे टूट के ऊपर गया तो ये एरिया वापस टूटेगा तो अंदर आएगा, तो एक बार सेलिंग प्रेशर आपको 21,550 के नीचे दिखाई दे सकता है, और दूसरा सेल प्रेशर 21,450 के नीचे जब ये एरिया टूटेगा, ये या 21,550 से 500 के बीच में भी अगर आप देखते हैं तो 100 पॉइंट का गैप है, कितने पॉइंट का गैप है। तो यही बात है कि जो समझदार ट्रेडर है वो हो सकता है 21,550 के नीचे, जो फास्ट जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो बहुत एक्सेलेंसी रखते हैं, स्किल रखते हैं अपने पास में ट्रेडिंग का, तो 21,550 पर भी कुछ लोग हाथ मारने आ जाते हैं, वहां से ये 21,450 में बंदा लोग निकल जाएगा, समझ रहे ना, ये चीजें होगा। और 21,450 के नीचे जाने पर फिर 21,300-400, 21,400 से लेके 21,350 का लेवल बनेगा, बहुत खराब हुआ तो 21,300 तक, हालांकि ये नहीं आना चाहिए 21,300, आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 400 से लेकर 350, 21,450 टूटा तो 400 से लेकर 350 बहुत मैक्सिमम हो सकता है यहाँ से। और यहाँ पुट ऑप्शन, जो ऑप्शन ट्रेडर लोग होते हैं वो यहाँ पे पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे, वो नजदीक का पुट ऑप्शन पे ही आपको कुछ मूवमेंट बन सकता है, तो 21,550 यानी 21,550 से 21,500 तक के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन पे आप ध्यान देके चल सकते हैं, क्योंकि जब ये इंडेक्स नीचे आएगा, ये इंडेक्स नीचे आएगा
तो ये पुट ऑप्शन से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये है निफ्टी पे व्यू एक नॉर्मल कंडीशन। और देखिए कल है निफ्टी का एक्सपायरी है ना, तो अगर जो लोग ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जो इसमें, वो करेंट एक्सपायरी का नहीं लेते हैं, वो लोग ज्यादातर क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेके चलते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का। निफ्टी का कल एक्सपायरी है वीकली, लेकिन यहाँ पर जो कॉल या पुट जो भी होगा वो नेक्स्ट एक्सपायरी पर ध्यान रखें, नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पे जो यहाँ पे बस दिखाया है मैंने आपको कि ये लेवल ये एट द मनी का एटीएम वाला पे ही मूवमेंट फास्ट बनता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी पर। तो जब इंडेक्स में मूवमेंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट देखने को बन सकता है। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप ही हो गया, मान लेते हैं ये गैप अप हो, गैप अप खुलने के बाद में आपको दो चीजें पे ध्यान देना है कि मान लेते हैं ये गैप अप खुलता है और 150 से 200 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं फिर 21,800 पर आसपास में खुलेगा या 21,850 के आसपास में, यानी इस दो के बीच में ही गैप अप कहीं खुल सकता है। देखिए अगर गैप अप खुल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पीछे चार्ट पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया, ये देखिए 21,825 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया ना, तो अगर ये तीन में से कहीं पे भी खुले, 21,825 लिखा हुआ, अगर इस तीन में से किसी लेवल पे भी खुलता है तो ये सारे लेवल रेजिस्टेंस का काम फौरी तौर पे करते हैं। आपको बड़ा ब्रेकआउट 21,840 के ऊपर ही मिलेगा जब ये ऑल टाइम हाई यहाँ से टूटेगा तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, अपना मेथड यूज करना है कि गैप अप ओपन होने के बाद इसका बिहेवियर कैसा है ना, गैप अप ओपन होने के बाद इसका बिहेवियर क्या है। ये गैप अप ओपन हुआ ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाके फिर ये नीचे आके अगर ये वापस इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब हम इसके ब्रेकआउट पर लेंगे, हम इस जगह पर बाय करने का कोशिश कर सकते हैं। तो इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। देखिए गैप अप क्या हुआ, 21,800, 850 या 825 कहीं पे हुआ एक एग्जाम्पल, और ये खुल गया यहाँ पे गैप अप, और उसके बाद ये नीचे आता है, नीचे आके ये कहीं पे 750 के आसपास में मान लीजिए या 700 पे सपोर्ट लेके, अगर ये दोबारा से ऊपर की साइड में, अगर ये ऊपर की साइड में जाता है और फिर नीचे आता है और ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है गैप अप में। ठीक है, गैप अप में इस तरह से काम करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद हो सकता है एक बार फिर इस तरह से झटका लगा के इस तरह का पैटर्न बना के ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। तो आपको ये ध्यान देना कि इसका मूवमेंट कैसा है, क्या ये खुलने के बाद साइडवेज होके इस तरह से मूवमेंट कर रहा है ऊपर वाला, या साइडवेज होके खुलने के बाद ये साइडवेज हो जाता है और फिर एक बॉक्स में फंस के फिर नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। लेकिन फौरी तौर पर अगर ये गैप अप खुलता है तो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर से लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। आपको सिनेरियो में समझा दिया मैंने, अब यहाँ पर समझिए कि अगर पहला सिनेरियो क्या होगा कि खुला तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गया, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो यहाँ से फिर सेल बन सकता है इस लेवल से, और नीचे की साइड में जो टारगेट है ये सारे लाइन फिर टारगेट का काम करेंगे, 21,750, 21,750, 21,700 और 21,650 के आसपास जो कि आजकल लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास है वहां तक पहुंच सकता है। खराब हुआ तो 21,600 तक ये क्लेम कर लेगा बॉक्स का ऊपरी सिरा वाला, ये ध्यान ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर जो सेल हो रहा है तो सेलर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो तो बायर है वो तो ऑप्शन पुट बाय करेगा, तो यहाँ पे पुट बाय जो होगा यहाँ पर अगर, तो वो एट द मनी में ही फिर मूवमेंट मिलने का कोशिश होगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, क्योंकि कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाले पे हम लोग ध्यान रख के चल सकते हैं। ये एक स्कीम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें काम कर रही है इस तरह से गैप अप में। और अगर ये गैप अप ना होके इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए ये गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे ही खुल जाता है गैप डाउन, गैप डाउन होता है तो मैं चाहता हूँ कि खुल जाए गैप डाउन तो बहुत अच्छी बात है। अब ये गैप डाउन होता है, दर्द की दवा खा लेने के बाद ना कुछ भी काम करने का मन करता है। खैर चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होने के बाद अगर ये नीचे अपने उसी तरह से प्रीवियस लो के आसपास चला जाता है, 21,400 के तोड़ता है या 21,450 के आसपास, तो ये तो क्लियर है चार्ट ना कि भाई हमारा यहाँ से बाउंस हो रहा है ना, हमारा यहाँ बाउंस हो रहा है, यानी कि ये एरिया अच्छा बाउंस का काम कर रहा है। तो जो समझदार लोग होंगे वो क्या करेंगे, बाय सपोर्ट एरिया समझ जाएंगे कि ये तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर लोग क्या करता है, बाय करता है। बाय करने के बाद वो टारगेट 21,500 से लेके 21,550 और 600 से लेके 21,600 से लेके 650 तक जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये
जा सकता है, ऐसे चांस बना सकता है 650। कुछ लोग इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वो कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करके करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे ऊपर की साइड भागे तो वो लोग कॉल ऑप्शन देखेंगे, एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 400-450 के आसपास में, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए जब ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ से, तो आप देखेंगे गैप डाउन खुलने के बाद तो ये कॉल ऑप्शन भी पहले नीचे आ जाएगा, उसके बाद ये सारे लॉस को रिकवर कर, माने जो भी नीचे गिरावट उसको कवर करके ऊपर चला जाएगा। आपको ध्यान देना है कि मार्केट का मूव कैसा है, मूव आप एक दिन में नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए पूरा दिन ये यहाँ पे साइड रहा है, बड़ा कैंडल, एक बड़ा कैंडल, एक बड़ा कैंडल, फिर साइडवेज, फिर लास्ट में मूव, तो ये ऐसे मूव नहीं पकड़ पाएगा कोई, है ना। बायर लोग को खासकर उसको तुरंत से चाहिए, अगर इतना देर साइडवेज हो गया तो उसका तो प्रीमियम ही खत्म हो जाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, चार्ट पे ध्यान देना है, कैंडल पे ध्यान देना है, पैटर्न पे ध्यान देना है, प्राइस पे ध्यान देना है और उसको आगे बढ़ाना है। आगे चलते हैं, निफ्टी तो हो गया और अब जो है बारी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की तरफ चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही था, निफ्टी में तेजी आई तो सिर्फ रिलायंस की वजह से। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों आपके सामने में, तो सबसे पहले इसका डेली का चार्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या है डेली चार्ट में। तो कुछ नहीं, आज इसका एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, कोई खास नहीं। आप जो ये पॉजिटिव कैंडल देख रहे हैं ये शॉर्ट कवरिंग है, ये क्या है, शॉर्ट कवरिंग है। कहाँ से शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट हुआ, दो बना, तीन बना, उसको आज यहाँ पे कवर कर रहा है, हो सकता है कल ये फिर से नया शॉर्ट बन जाए। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इसके हाई के ऊपर निकालना पड़ेगा, यानी कि 47,450 के ऊपर उसको सस्टेन करना पड़ेगा, अगर उसको मजबूती दिखाना है। देखिए अगर उसको पॉजिटिव होना है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, अगर उसको पॉजिटिव होना है तो भैया 47,450 के ऊपर निकालना होगा। अगर इसको बुलिश होना है, बहुत तेजी से दिखाना है अपना और स्ट्रेंथ दिखाना है, तो इसको 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, क्लियर है। ये नीचे आपको लेवल एक मिल रहा है। अब देखिए जो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पुराना सपोर्ट एरिया है और ये है 46,500 से लेके 400 के आसपास का, 46,000। तो चलिए हम 46,000 पर एक लाइन लगा देते हैं, ये लग गया लाइन आ गया 46,500 का, यानी ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए इन केस अगर चला जाए मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, तो इस बात की संभावना हमेशा रहेगा, लेकिन आपको ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसके नीचे गया ना तो इसको फिर सपोर्ट एरिया मिलेगा भैया 45,600, कहाँ 100 हजार पॉइंट, यानी कि 46,550 के नीचे आने पे या 500 को नीचे तोड़ने पे सीधे 45,600 और 45,400, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप छोड़ के गया है, वो इस गैप को अगर फिल करने आ गया तो फिर आपको बड़ा गिरावट मिलेगा जो 45,000 का लेवल दिखाता है, भगवान करे ना आवे, लेकिन ये जो दिख रहा है चार्ट पे वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्लियर है। चलिए अभी देखते हैं ऊपर की तरफ में भी लेवल हो गया, नीचे की तरफ लेवल भी 47,000 का जो इम्पोर्टेंट है उसको इसने क्लेम कर लिया। ये कल भी उन लोगों ने बात किया था, आप कल वाला भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 47,000 इसका भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये है इंट्राडे का चार्ट, देखिए क्या हुआ यहाँ पर इंट्राडे में, ये पहली कैंडल 15 मिनट की, ये दूसरी कैंडल, इसने साइन बताया कि भाई अब हम बुलिश हो गए, यानी कि जिस तरह का ये कैंडल बनाया पूरा का पूरा इंगल्फ कर गया अपने बियरिश कैंडल को, पूरा खा गया। तो बियरिश कैंडल को खाने के बाद उसके बाद अगर कोई सोचा होगा कि अब ये ऊपर ही ऊपर भागेगा, तो देखिए ये लास्ट में क्या हो गया, पूरा का पूरा साइड वेज हो गया, और ये अच्छा काम किया क्योंकि अब हमें क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है कि भाई अगर पॉजिटिव इसको होना है तो किस जगह पर इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए लेवल है इस बॉक्स के ऊपर, एकदम सिंपल सा चीज कानून बना के रखेंगे कि भाई हम 47,450 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा हम हाथ नहीं लगाएंगे। और दूसरा फिर एक लेवल आएगा नीचे की साइड का, अगर लेवल तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 47,150, इसके नीचे नहीं जाएगा तो भैया नहीं जाएंगे। तो 47,450 और 47,150 कितने पॉइंट का डिफरेंस आ गया, तो 300 पॉइंट का डिफरेंस में यहाँ पे बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, 300 पॉइंट का डिफरेंस में। हमें ट्रेड करना इस प्राइस के ऊपर, हालांकि 300 ने एक्चुअली 250 ही होगा क्योंकि मैंने ऊपर इस जोन को पकड़ा, अगर आप इस बक्से को यहाँ से जोन करेंगे तो ये आपको 400 ही आएगा, तो 400 आता है तो इस हिसाब से हो गया 150 पॉइंट का, है ना।
250 पॉइंट का, नहीं 150 और ऊपर है 400, तो वही 250 पॉइंट का लगभग लगभग आपको लेवल बनेगा। लेकिन हम 350 के ऊपर, थोड़ा 450 के ऊपर सेफ्टी के पर्पज से बोल रहे हैं, लेकिन रिस्की ट्रेडर हैं तो 21,400 के ऊपर भी, 21,400 के ऊपर भी आपको एक अच्छा बाइंग मिल सकता है, 21,400 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर। देखिए मैं 21,000 बोल रहा हूँ, मैं 47,000 होगा ना, एक्चुअली ये 47,400 होगा ना, एक निफ्टी वाला लेवल याद रह गया, फिर वही लिख रहा था, 47,450 के ऊपर और 47,000, 47,400 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर निकलते के साथ फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसका लेवल आता है 400 के आसपास और 47,450 से 400, यानी इस एरिया के ऊपर आपको फिर बाइंग बनेगा। देखिए ऊपर जोर लगाएगा तो ये दो जो लाइन मैंने लगा रखे हैं, इसका भाव आता है 47,800। चलिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 47,800 है लेवल और 47,600 का ये लेवल, ठीक है। तो अगर ये 47,450 से 400 के ऊपर निकालता है तो टारगेट आपको 47,600, 47,700 और 700 और 47,800 तक जा सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जब इस प्राइस को ब्रेक करता है, किस तरह से ब्रेक करता है, ऊपर नीचे अप डाउन करके ब्रेक किया, तो एक ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिखाया था। आपको ध्यान यही देना है कि मार्केट खुलता है, अगर ये देखिए इसे ऊपर नीचे आया, अगर यहाँ से अगर ये वापस से अपने लो को ब्रेक करता तो बड़ा गिरावट आपको दिखाई देता। तो ये सब चीजों को ना, पैटर्न को रीड किया करिए मार्केट में, तो आप बाइंग साइड में ये लेवल हो सकते हैं। जो ऑप्शन लवर हैं, जो ट्रेडर है, वो तो बाय करेंगे, तो बाय के साइड में जो कॉल ऑप्शन जो आता है, जो स्ट्राइक पर है, वो एट द मनी के आसपास का ही, मैं 100 पॉइंट का ऊपर या एट द मनी 47,500 का भी लेके बिल्कुल चला जा सकता है, कॉल ऑप्शन पे नजर रखा जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर चला गया, साइडवेज हो जाता है तो फिर प्रीमियम खाने लग जाता है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान देना है कि साइडवेज अगर होए मार्केट, आपको आइडिया लग रहा है तो आप एग्जिट हो जाइए साइडवेज में, या फिर पोजीशन को हेज कर सकते हो तो हेज कर ले। लेकिन हेज में भी ये प्रॉब्लम है कि अगर ज्यादा देर साइडवेज रह गया तो पैसे नहीं बनते, सारे डिक्के हो जाते, खत्म हो जाते। चलिए ये तो वो बाय साइड का लेवल, और अगर हम सेल साइड की बात करें कि सेल साइड क्या हो सकता है, और सेल साइड देखिए ये बॉक्स बना है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बॉक्स से भी ध्यान देंगे तो एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट भी लिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन पहले टूटता है तो पहले इसको ये लेवल बनेगा, उसके बाद फिर अपने लोअर लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा, जिसका भाव 47,000 के आसपास में आया है। तो अगर आपको सेल करना है, हम लोग सेल साइड देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को टूटने के नीचे 47,280, 270, 47,280, 47,270 लिख लेते हैं, के नीचे जाने पर फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर से बन सकता है, जो इस गैप को यहाँ पर से फिल करने आएगा, जिसका भाव होता है 47,750 के आसपास, नहीं सॉरी 47,150 के आसपास में आता है बिल्कुल। तो इसका टारगेट आ जाएगा 47,270 के नीचे जाने पर, जो टारगेट बनता है वो पहला 47,200 और 47,150 का टारगेट, और 150 को तोड़ा तो फिर ये 47,000। अभी देखिए आज तो ये दिखा दिया कि 47,000 इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, लेकिन सोचिए कि अगर ये 46,900 के नीचे ट्रेड करता रह गया इन केस, है ना, यानी यहाँ पर आया और यहाँ से बाउंस हो गया, बाउंस होने के बाद ऊपर से अगर ये नीचे आके वापस अपने इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 46,900-700 को दोबारा ब्रेक करता है, सेलिंग 46,900 के नीचे बढ़ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर और सेल साइड में जाना पड़ सकता है, 46,900 के नीचे बड़ा गिरावट हो सकता है। तो पहले सेल लेवल ही हो गया, तो 46,900 के नीचे भी टूटेगा तो 46,800 और 46,700 तक का लेवल बन सकता है, ये ध्यान रखना है। और 46,600 मैंने पहले ही कहा कि बैंक निफ्टी एक गैप छोड़ के आया, तो हो सकता है उसके आसपास जा सके इस लेवल को ब्रेक डाउन करने पे। और जो ऑप्शन ट्रेडर है वो पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, ये आपको ध्यान देने की बात है। इंडेक्स जब नीचे आता है तो पुट हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये मेरा व्यू है यहाँ पर। अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग, अभी बाइंग सेलिंग के लिए बताया ना, अभी हम बाय करेंगे। अच्छा बाय तो ऊपर बता ही दिया था, 47,450-460 वो एरिया तो बता ही दिया था, जिसका टारगेट 47,800 के ऊपर, 800 के ऊपर आ जाएगा तो 48,000 को एक बार क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी देखिए हम गैप अप की तरफ चलते हैं कि अगर ये भी गैप अप ही खुल जाता है और ये डायरेक्ट खुल गया, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से 500-600 पॉइंट की खुलने की बात करता है, तो 47,800 या फिर 47,000
900 के आसपास खुलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जितना नजदीक 47,900 मतलब 48,000 हो गया। 47,900 का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये 48,000 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है ये वाला, है ना। अगर इसके नजदीक पहुंचता है 47,800 के ऊपर खुलता है, 47,900 ऊपर करता है, 48,000 जितना नजदीक होगा 48,000 के आसपास में आपको सेल करना चाहिए। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 47,900 से लेके 47,800 और 47,700 से लेके 700 से लेके 47,700 से लेके 47,600 तक आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत खराब हो गया, ये सारे लेवल टूटते ही जा रहे, तो 47,600 से लेके 47,500 का लेवल भी आप पकड़ सकते हैं, जो कि ये हायर जोन आता है, ठीक है। ये हुआ बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर से अगर गैप अप खुला 47,800 के आसपास में, तो फिर ये तरीके से हो सकता है। पुट ऑप्शन ध्यान दे सकते हैं, 47,800 के स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जा के प्रॉफिट देता है, याद रखिए जब नीचे आएगा ब्रेकडाउन होगा तभी पुट में मूवमेंट स्टार्ट होगा। अभी गैप अप के जगह में अगर ये गैप डाउन हो गया, अगर ये नीचे खुल जाता है तो नीचे अगर खुल गया तो नीचे इसी तरह से ये खुला 46,700 पर मान के चलते हैं, तो 1,000 पॉइंट, तो ये तो नहीं लेंगे इसको, माने अभी छोड़ देंगे कि इतना 1,000 पॉइंट नीचे खुलेगा तब तो विध्वंस हो जाएगा ना। 47,400 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हो सकता है वापस से ये 47,000 पर खुल जाए या 46,900 पे खुले। देखिए धीरे धीरे अगर ये 46,900 को ब्रेक करता है तो फिर आपको सेलिंग बड़ा बनेगा, लेकिन डायरेक्ट ही अगर 46,900 के पास में आ जाता है तो फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनता है यहाँ पर से। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनते हैं 47,100, क्योंकि 47,000 तो यहाँ ये 47,100, 47,200 और 47,300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपरी सिरा पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो 46,700 से लेके 800 का ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, अगर इसके आसपास नीचे में खुलता है तो। 46,000 के आसपास नीचे 700 के आसपास में खुलता है तो 46,700 का ही कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो बैंक देखिए आपको पैटर्न को रीड करना है, देखिए गैप अप खुला ये क्लोज है और ये गैप अप खुला, गैप अप खुला नीचे आया ऊपर गया और ऊपर जाने में फिर एक बार झटका मारेगा, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। जिस तरह ऊपर गया नीचे आया फिर ये ऊपर झटका मारता है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी चीजें आपको रीड करना चाहिए सिस्टम पर, चार्ट पर जाके, तभी आप सीख पाएंगे समझ पाएंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो था दोस्तों, अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें, और अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।